म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है। एमआईएम का सांसद असदुद्दीन ओवैसी कल पुराने शहर में पार्टी प्रचार और चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और चुनाव के दरमियान वो ये कहता है कि बीजेपी वाले फ्रस्ट्रेशन में आ गए और उनको बिरयानी खाने की सलाह वो दे रहा है। होटल का नाम जो दे रहा है वहां पर बीफ की बिरयानी बनती है और बीजेपी वालों को वो कह रहा है कि बीफ की बिरयानी खाओ। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा कि फ्रस्ट्रेशन में कौन है तुम्हारे बयान से पता चल जाता है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी वाले किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन ये तुम्हारी पुरानी आदत रही कि चुनाव के समय पर पब्लिक को भड़काना है और बहुत ही गंदे शब्दों का उपयोग करना है और गलत कमेंट करना है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा कि हमारे पास भी वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े भाई बंधु हैं जिनकी होटलें हैं और वो बहुत ही सुंदर बिरयानी बनाते हैं। एक बार उनकी भी बिरयानी खाकर देख लो कि कितनी टेस्टी बिरयानी हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बंधु बनाते हैं। और रही चुनाव की बात, आज तुम टीआरएस से मिलकर जो रणनीति जो तुम बना रहे हो, पुराने शहर का मुसलमान तुम्हारी पार्टी को वोट नहीं डालेगा, क्योंकि जो फ्लड आए हैं तेलंगाना में, आज भी कई ऐसे पुराने शहर में बस्तियां हैं जो डूब चुकी है, कई लोग परेशान हैं। टीआरएस सरकार ने 10,000 रुपए बांटे, तुम्हारे एमआईएम के नेताएं तुम्हारे कार्यकर्ता 10,000 रुपए लूट लिए, कई 100 करोड़ रुपए तुम लोगों ने खा लिए। मुसलमानों को सिर्फ एमआईएम ने धोखा दिया, ना कि इन एमआईएम ने कभी मुसलमानों का भलाई नहीं किया। इसलिए मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि एमआईएम का गंदा चेहरा पहचाने और इनका बहिष्कार करें, इनका एक कॉर्पोरेटर ना जीते इस प्रकार से बहिष्कार करें। मैं हमारे तेलंगाना के मुसलमान भाई बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं।